हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद वरुण पे। देखिए, आज हम लोग एक इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक करेंगे जिसका क्या नाम होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये देखिए, आज हम बात करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के लिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में। पहले सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं, ये जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है वो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है इंग्लिश ग्रामर में। ठीक है, ये आप लोग को SSC का कोई भी एग्जाम हो, चाहे DMRC का एग्जाम हो या BHU का एग्जाम हो या कोई भी डिफेंस का एग्जाम हो, सभी के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगा ये वीडियो, खास करके लिए। ठीक है, तो देखिए, इस वीडियो में मैं कुछ स्पेशल रूल बताऊंगा जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है उससे क्वेश्चन। ठीक है, तो जल्दी से मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। देखिए, यहाँ पर मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। मैं सबसे पहले छोटा छोटा रूल से चलता हूँ क्योंकि मैं बेसिक से और एडवांस तक जाऊंगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि यदि कोई नॉन सब्जेक्ट का काम करता है, यदि कोई नॉन क्या किसका काम करता है सब्जेक्ट का, और वो कैसा होता है सिंगुलर, तो उसके साथ वर्ब भी कैसा यूज करते हैं, हम सिंगुलर यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल लिखा हुआ है द बॉय, ये हमारा क्या है सब्जेक्ट है और है कैसा सिंगुलर है, सिंगुलर है ना बॉय, तो इसके साथ वर्ब कैसा यूज करेंगे, सिंगुलर यूज करेंगे। देखिये ये सिंगुलर है कि नहीं है, है। देखिये दूसरा रूल क्या बोलता है कि यदि दो नॉन किससे जुड़ा हुआ रहे, एंड से जुड़ा हुआ रहे और किसका काम करे सब्जेक्ट का काम करे, दो नॉन एंड से जुड़ा हुआ रहे और किसका काम करे सब्जेक्ट का काम करे, वहां पर हम वर्ब कैसा लेते हैं प्लूरल लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक नॉन ये है राम और एक नॉन क्या है श्याम, दोनों किससे जुड़ा हुआ है एंड से, तो वर्ब कैसा यूज करेंगे प्लूरल यूज करेंगे। तो ये बताइए कि इज सिंगुलर है या प्लूरल है, इज सिंगुलर है। अगर आप लोग को पता नहीं है कि सिंगुलर प्लूरल क्या, जिसके लास्ट में एस और ईएस लगा हुआ रहता है वो क्या होता है, हमारा सिंगुलर होता है। ठीक है, जैसे में बाज है, इज है, हैज है, ये सब जितने भी सारे हैं क्या है सिंगुलर हैं, क्योंकि इनके लास्ट में क्या लगा हुआ है, एस लगा हुआ है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं वर का, यदि बात करते हैं हैव का या बात करते हैं आर का, ये सब हमारे क्या होते हैं प्लूरल होते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर दो नॉन एंड से जुड़ा हुआ रहता है तो कैसा वर्ब का यूज करते हैं, प्लूरल यूज करते हैं। इज बोली, इज सिंगुलर है कि प्लूरल है, इज सिंगुलर है क्योंकि इसके लास्ट में क्या लगा हुआ है एफ, तो यहाँ पर प्लूरल देंगे तो क्या लिखेंगे हम आर। तीसरा रूल क्या बोलता है कि यदि एक नॉन हो और एक का क्या हो प्रोनाउन हो, एक नॉन हो और एक प्रोनाउन हो और जुड़ा हुआ रहे एंड से, ठीक है, और काम कैसा करे सब्जेक्ट का। जैसे देखिए राम हमारा क्या है नॉन है, है ना, और ये आई क्या है हमारा प्रोनाउन है, किससे जुड़ा हुआ है एंड से, और ये काम कैसा कर रहा है सब्जेक्ट का काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो वर्ब कैसा लेंगे सिंगुलर लेंगे या प्लूरल लेंगे, तो वर्ब कैसा लेंगे हम प्लूरल लेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका आंसर कि इज और एम, बोलिए इज और एम में कोई सिंगुलर है, नहीं है, सॉरी इज और एम में कोई प्लूरल है, नहीं है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम आर लिखेंगे। ठीक है, ये नहीं कि ये आई देखिए और आई के साथ एम लगता है, ऐसा काम बिल्कुल नहीं करेंगे। एक नॉन है, एक प्रोनाउन है, एंड से जुड़ा हुआ है, क्या लगेगा आर लगेगा, यानी प्लूरल लगेगा, जरूरी नहीं है आर लगेगा, प्लूरल में कोई भी वर्ब लग सकता है, वो आपका डिपेंड करता है सेंटेंस के अनुसार। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि यदि दो प्रोनाउन किससे जुड़ा हुआ रहे एंड से और काम कैसा करे सब्जेक्ट का, तो वहां पर भी हम प्लूरल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि यदि दो नॉन रहे या एक नॉन या एक प्रोनाउन रहे या दोनों प्रोनाउन रहे, उससे हमको मतलब नहीं है, वर्ब कैसा लेंगे प्लूरल लेंगे, ये नहीं कि आई देख लिए एम लगा दिए, श्याम देख लिए इज लगा दिए, ऐसा काम बिल्कुल नहीं करेंगे, सब में क्या करेंगे प्लूरल करेंगे। देखिये यहाँ पर एक प्रोनाउन है ही और एक प्रोनाउन है आई, तो बताइए वर्ब कैसा लगेगा प्लूरल लगेगा, बोलिए हैज प्लूरल है, नहीं है क्योंकि इसके लास्ट में एस है, और जिसके लास्ट में एस होता है वो क्या होता है सिंगुलर होता है, यहाँ पर हटेगा क्या होगा हैव होगा। अब बोलिएगा यहाँ पर इज एम आर नहीं लगेगा, तो नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि इसके साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म है, और वर्ब का तीसरा फॉर्म कब आता है जब प्रेजेंट परफेक्ट होता है या पास्ट परफेक्ट होता है, तो बोलिए प्लूरल में क्या लगेगा हैव लगेगा कि नहीं लगेगा। और मैं कुछ रूल बताता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट, वीडियो को जितना से जितना आप लोग शेयर कर सकते हैं, ठीक है, इसको देखिए और बताता हूँ। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि कुछ ऐसे पेयर हैं जिनमें दो नॉन एंड से जुड़े हुए होते हैं, मैंने अभी बताया कि यदि दो नॉन एंड से जुड़े हुए रहते हैं तो प्लूरल होते हैं, मैंने बताया ना, जैसे राम एंड श्याम, जैसे राम एंड श्याम मैंने बताया अभी, तो उसके साथ मैंने कैसा यूज किया प्लूरल यूज किया। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसको बहुत ध्यान रखिएगा, आप लोग पहले पढ़े भी होंगे लेकिन इसमें एक थोड़ा सा लॉजिक है जो आप लोग नहीं भी जानते होंगे, अगर जानते होंगे तो फिर भी कोई बात नहीं है। देखिये यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ ऐसे पेयर होते हैं जो, यानी नॉन का कुछ ऐसे पेयर हैं जो किस क्या माना जाता है सिंगुलर माना जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ, राइस एंड कढ़ी लिखा हुआ है,
क्या है, राइस एंड कढ़ी है, दोनों को किससे ऐड किया गया, एंड से। और मैंने बताया कि जो एंड से ऐड किया जाता है उसको हम प्लूरल लेते हैं, लेकिन ये पेयर है, ये जो राइस एंड कढ़ी है, ये ब्रेड एंड बटर है, इनको हम पेयर मानते हैं। हैम एंड एग्स है, एग्स एंड एक्सपीरियंस एंड हैम एंड फिकल, ये सब जितने हैं और भी होते हैं, ये इनसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर ये सब कहीं भी रहे तो यहाँ पर हम सिंगुलर मानते हैं। क्या मानते हैं? सिंगुलर, यानी इज लगेगा, ठीक है, नो की आर लगेगा, यानी सिंगुलर लगेगा, प्लूरल नहीं लगेगा। जब पेयर में आएगा सिंगुलर लगेगा, पेयर नहीं आएगा प्लूरल लगेगा। जैसे ब्रेड एंड बटर, तो ब्रेड एंड बटर लिखा हुआ है, ब्रेड एंड बटर इज ईटन ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, तो यहाँ पर क्या लगेगा, इज लगेगा। इज क्या है? सिंगुलर है। देखिए यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि बताया जाता है लोगों को, बहुत स्टूडेंट को, कि जहां पर भी ब्रेड एंड बटर दिखे या राइस एंड कढ़ी दिखे, हैम एंड सेगल दिखे, ऐसा अगर कहीं भी रहेगा उसके साथ सिंगुलर लगाइएगा, ऐसा बताया जाता है। लेकिन सिर्फ यही रट लेने से काम नहीं चलेगा भाई। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि यदि बाकियों से दो चीजों का अलग अलग बोध हो, यहाँ पर कहने का मतलब है कि दो चीजों का, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ, राइस एंड कढ़ी इज माई फेवरेट फूड, यानी राइस और कढ़ी मेरा फेवरेट फूड है। फेवरेट क्या है? यहाँ पर एडजेक्टिव है, और ये फूड क्या है? नॉन है। नॉन को, यानी एडजेक्टिव किसको बोलते हैं? जो नॉन को क्वालिफाई करता है। फूड कैसा है? फेवरेट है। किसका फेवरेट है? मेरा। अगर बोले कि अगल अलग अलग चीज का बोध कराता है पेयर, तो प्लूरल मानेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर एग्जांपल, ब्रेड एंड बटर, यहाँ पर भी ब्रेड एंड बटर लिखा हुआ है, यहाँ पर भी ब्रेड एंड बटर लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लगेगा? सिंगुलर, लेकिन यहाँ पर लगेगा प्लूरल। देखिए कैसे लगेगा प्लूरल, ब्रेड एंड बटर इज मेड फ्रॉम डिफरेंट थिंग्स, यहाँ पर सेंटेंस बोला जा रहा है कि ब्रेड एंड बटर से डिफरेंट थिंग्स बनाई जाती है, मेड किया जाता है। तो डिफरेंट यानी क्या? अलग अलग हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो जब अलग अलग हो वहां पर हम प्लूरल यूज करेंगे। तो यहाँ पर बोलिए इज होगा कि आर होगा? आर होगा। अब आप लोग दो मात्र पेयर याद रखिए, ये नीचे लिखा हुआ है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मैंने बोला कि सब पेयर क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। अगर अलग अलग बोध कराएगा तो क्या होगा? प्लूरल होगा। दो आप लोग याद रखिए, जो प्लूरल ही होता है, सिंगुलर नहीं होता है। देखिए दो नॉन से बने कुछ ऐसे पेयर हैं जिन्हें क्या माना जाता है? प्लूरल माना जाता है। जैसे में पेन एंड पेपर, टाइम एंड टाइड, जैसे लिखा हुआ है टाइम एंड टाइड बेट फॉर नो मैन या बेट्स फॉर नो मैन, तो बेट होगा, बेट्स नहीं होगा। जिसके लास्ट में एस, वो क्या होता है? सिंगुलर। तो बेट होगा या बेट्स होगा, यानी टाइम एंड टाइड बेट या बेट्स, तो क्या होगा? बेट होगा, ठीक है। अगर बोले पेन एंड पेपर इज, सॉरी, हाँ, पेन एंड पेपर डज नॉट मेक योर यू ए राइट, तो बोलिए डज लगेगा या डू लगेगा? तो डज हमारा सिंगुलर होता है, क्या लगेगा? डू। तो और मैं कुछ देखता हूं रूल, जो कि क्या है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग देखिए। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि यदि दो सब्जेक्ट किससे जुड़ा हुआ रहे, एज बेल एज से जुड़ा हुआ रहे। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है राम एज बेल एज मेनी ऑफ हिज फ्रेंड्स, क्या करते हैं स्टूडेंट्स लोग, किसको? मेनी ऑफ हिज फ्रेंड्स, यानी फ्रेंड्स को देखते हैं और आर का प्रयोग कर देते हैं, ये बिल्कुल गलत है। अगर दो सेंटेंस किससे जुड़ा हुआ रहे, एज बेल एज से जुड़ा हुआ रहे, तो उसको हम नजदीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार नहीं चेंज करते हैं, जो फर्स्ट सब्जेक्ट रहता है उसको देख के हम वर्ब का यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला सब्जेक्ट क्या है? राम है, और दूसरा सब्जेक्ट क्या है? मेनी ऑफ हिज फ्रेंड्स है। तो पहले वाले देख को कीजिएगा, ना कि दूसरे वाले को। हम किसका यूज करते हैं सब्जेक्ट के रूप में? पहले वाले को, और उसी को देख के वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिये राम के साथ आर लगेगा या इज लगेगा? इज लगेगा, तो इसको हम क्या करेंगे? इज करेंगे। इसी का जस्ट उल्टा है ये, यदि दो सब्जेक्ट किससे जुड़े हुए रहे, आइदर और से, या नाइदर नॉर से, या नॉट ओनली बट ऑल्सो से, या और से, अगर ये सब जुड़ा हुआ रहेगा तो उसमें हम क्या करते हैं कि जो वर्ब के, जो वर्ब लगा हुआ है उसके जस्ट बगल वाला यानी नजदीक वाले सब्जेक्ट को देखकर यूज करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है नॉट ओनली राम बट ऑल्सो यू, यानी न केवल राम बल्कि तुम क्या हो? दोषी हो, गिल्टी हो। तो देखिए नजदीक वाला क्या है? एक सब्जेक्ट राम है और एक सब्जेक्ट ये है। तो देखिए वर्ब के नजदीक वाला क्या है? यू है कि राम है? यू है। तो यू के साथ इज लगेगा या आर लगेगा? आर लगेगा। तो इसको हम इज काट के क्या करेंगे? आर करेंगे। यहाँ पर एक और सेंटेंस लिखा हुआ है आइदर यू और योर ब्रदर हैव डन दिस, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखिए आइदर और से जुड़ा हुआ है। आइदर और का मतलब होता है या तो तुम या तुम्हारा भाई इस काम को कर सकते हैं, इस काम को किया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या लगा हुआ है? यहाँ पर दो सब्जेक्ट है, ये है एक योर ब्रदर और एक क्या है? यू।
तो देखिए वर्ब के जस्ट बगल में क्या है, योर ब्रदर है, तो योर ब्रदर के साथ सिंगुलर आएगा या प्लूरल आएगा, तो हैज लगेगा ना कि हैव लगेगा, तो यहाँ पे क्या होगा हैज। आइदर और का मतलब होता है या तो, नाइदर नॉर का मतलब होता है ना तो, नॉट ओनली का मतलब का मतलब होता है ना केवल बल्कि वो भी, जैसे यहाँ पर मैंने बताया कि ना केवल राम बट ऑल्सो यू, और एक क्या है नन बट, जिसको हम नॉट बट भी कह सकते हैं, और एक क्या होता है और होता है, ठीक है। इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ, अगले वीडियो में मिलेंगे और कुछ स्पेशल रूल जो किससे इम्पोर्टेंट होगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए, तो इस वीडियो को जितना से जितना आप लोग शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे आपके पास सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे, ठीक है, धन्यवाद। तुम चमला